रॉय बात कर रहा हूं भाई और स्वागत है आप सबका रॉय मैच प्रिडिक्शन पे। चलिए आज बात करते हैं इंग्लैंड बनाम श्रीलंका के 39वें मैच के बारे में। जी हां 39th मैच के बारे में। आगे बात करूं उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि जो काम वहां पे प्रोवाइड आप लोग कराया जा रहा है वो शायद ही कोई मार्केट में आप लोगों को दे रहा होगा। जाकर आप इतना इस बात का मैं वादा करता हूं, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे, देखोगे, काम को देखोगे, फॉलो करे बगैर वहां से वापस नहीं आओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। जहां आपको मेरे भाई लंबी बेस्ट टाइम पे एंट्री, सबसे छोटी रेट को ढूंढ के एंट्री, और कई बार ऐसा हुआ कि डायरेक्ट मैंने फर्स्ट एंट्री जैकपॉट एंट्री दी है और विकेट कॉल के साथ मैच जिता के ले जाता हूं मेरे भाई। तो मेक श्योर कि आप लोग जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को एक बार देखोगे, फॉलो उसके बाद आप लोग खुद ही कर लोगे, कम से कम जाके एक बार देख लो, काम चेक कर लो। चलिए भाई बात करते हैं इंग्लैंड बनाम श्रीलंका के 39वें मैच के बारे में, जो होने वाला है मेरे भाई भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे 5 नवंबर को। और ये मुकाबला मेरे भाई सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, जहाँ की अगर पिच रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टोटल अब तक 14 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं, जहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 9 मैचेस जीती है और सेकेंड बल्लेबाजी करने वाली टीम केवल 5 मैचेस जीती है। फर्स्ट बैट की एवरेज स्कोर की अगर बात की जाए यहाँ पे 172 रन का होता है और हाईएस्ट स्कोर इस मैदान पे ऑस्ट्रेलिया का रहा है 221 रन 5 विकेट के नुकसान पे, और लोवेस्ट स्कोर रहा है मेरे भाई बांग्लादेश का 101 रन 10 विकेट के नुकसान पे। और मेरे भाई टोटल T20 डोमेस्टिक मैचेस की अगर बात की जाए यहाँ पे टोटल 49 मैच खेला गया है, जहाँ पे एवरेज रन होता है फर्स्ट बैटिंग का 158 रन। फर्स्ट बैट करने वाली टीम 22 मैचेस जीती है और सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम 26 मैचेस जीती है। टाई यहाँ पे एक मुकाबला आ रहा है। हाईएस्ट स्कोर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिडनी सिक्सर्स का रहा है 213 रन 4 विकेट के नुकसान पे, और लोवेस्ट स्कोर रहा है मेलबर्न स्टार्स का 61 रन 10 विकेट के नुकसान पे। और मेरे भाई डोमेस्टिक मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न को अगर देखा जाए तो यहाँ पे 150 से नीचे का स्कोर यहाँ पे 19 बार लगा है, 150 से 169 का स्कोर यहाँ 11 बार लगा है, 170 से 189 का स्कोर यहाँ 11 बार लगा है, और 190 का ऊपर का स्कोर यहाँ पे टोटल 8 बार लगा है। तो भाई वो बात कर लेते हैं इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच अब तक जितने भी हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं, तो मेरे भाई यहाँ पे इन दोनों के बीच 13 हेड टू हेड मुकाबले खेले गए हैं T20I के, जहाँ पे इंग्लैंड ने 9 मैच जीता है और श्रीलंका ने केवल और केवल 4 मैच जीता है। मतलब हमेशा इंग्लैंड श्रीलंका पे भारी ही पड़ी है, पर इस बार कुछ अलग देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो 2022 का वर्ल्ड कप है ये कुछ अलग सा है। यहाँ पे कमज़ोर टीम स्ट्रॉन्ग टीम को कब चित करते, कब पटकने देते, कौन नहीं जानता। तो यहाँ पर आप श्रीलंका को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, बस हाँ कुछ प्लेयर्स के फॉर्म अगर आ जाते हैं श्रीलंका में तो ये बराबरी के टक्कर दे सकते हैं इंग्लैंड को। और अब इन दोनों टीमों के मेरे भाई प्लेइंग 11 पे नज़र डाल लेते हैं। तो श्रीलंका की तरफ से पथुम निसंका, कुशाल मेंडिस, धनंजय डिसिल्वा, भानुका राजपक्षा, चरित असलंका, दशुन सनाका, वनिंदु असलंका, प्रमोद मधुसन, कसुन रजिथा, महेश तीक्षणा और मेरे भाई लहिरू कुमार। और इंग्लैंड की तरफ से मेरे भाई जॉस बटलर, एलेक्स हेल्स, डेविड मलान, हैरी ब्रुक्स, मोइन अली, लैम लिविंगस्टन, बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स, आदिल राशिद, सैम करन और मार्क वुड। तो भाइयों मेरे अनुसार फिलहाल इस मैच का मैच विनर इंग्लैंड रहेगा और इंग्लैंड शायद इस मैच को जीत जाए। पर मेरे भाई याद रखिएगा यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट ये है कि फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे आपको मिलेगी, जहाँ पे मेरे भाई अक्सर मैंने इसी T20 वर्ल्ड कप में टीम चेंज किया है, जहाँ मेरे भाई यहाँ पे फेवरेट टीम को मैंने दिया है, जैसे कि मजबूत टीम का प्रेडिक्शन दिया है। तो उसी मैच में मेरे भाई अगर कल को वो मैच हो रहा है तो मेरे भाई वहाँ पे मैंने कमज़ोर टीम को ही विनर घोषित कर दिया और वही विनर हुई भी। तो फाइनल प्रेडिक्शन, फाइनल रिपोर्ट आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जहाँ मेरे भाई लंबी जैकपॉट एंट्री, विकेट कॉल जो कि शायद ही कोई टिप्पर दे पाता होगा आपको, तो ये चीज़ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। तो जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से मैच विनर रहेगा इंग्लैंड। तो मिलते हैं मेरे भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए धन्यवाद।